महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है जहां ऐसा देखा जा रहा है कि राज ठाकरे की एक धमकी ने महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ा दी है और उद्धव ठाकरे को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार सरकार वो चला रहे हैं या फिर राज ठाकरे चला रहे हैं जी हाँ नमस्कार मैं हूँ मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं एस न्यूज़ राज ठाकरे एक धमकी दे देते हैं कि वो औरंगज़ेब का जो मकबरा है उसको ध्वस्त कर देंगे एम यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना औरंगज़ेब के मकबरे को ध्वस्त कर देगी और उसके बाद से ऐसा देखा गया कि महाराष्ट्र में सियासत तो तेज़ हो ही गई बल्कि सियासी हलचल भी तेज़ हो चुकी है लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और इसको देख के ऐसा देखा गया कि औरंगज़ेब के मकबरे को पाँच दिनों के लिए बंद भी कर दिया गया है और आखिरकार अब उद्धव ठाकरे के गवर्नेंस को लेकर भी बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं सवाल ये खड़े होने लगे कि क्या एक नेता की वजह से इस वक्त उद्धव ठाकरे डर चुके हैं राज ठाकरे से उद्धव ठाकरे डर चुके हैं या फिर राज ठाकरे अब ऐसा देखा जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है उन्होंने जो बड़े बड़े बयान दिए उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर नहीं लिया जाएगा तो क्यों नहीं लिया जाएगा बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा होता है क्या उनकी सरकार इतनी कमजोर हो चुकी है कि राज ठाकरे से टकराने से डर रही है ऐसे ही कई सवालों के लिए हमारे साथ हमारे कई सहयोगी मौजूद है मेरे साथ मेघा मौजूद है उनसे सीधे तौर पर हम सवाल पूछेंगे मेघा क्या मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या उद्धव उद्धव ठाकरे डर डर चुके हैं? सरकार डर चुकी है राज ठाकरे से जिस वक्त इस तरह के जो हालात अभी महाराष्ट्र में बने हुए उन्हें देखकर ऐसा लगता है देखिए मृत्युंजय सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस बात को चाहूंगी कि जनता जाने कि उद्धव ठाकरे भले ही राज ठाकरे से ना डरे हों लेकिन एक जो भाई है वो दूसरे भाई से ज़रूर डर गया है और ये मैं क्यों कह रही हूँ मैं अपनी बात को ज़रा एक्सप्लेन भी करना चाहूंगी देखिए अगर आप उद्धव ठाकरे के परिवार के बारे में देखें ठाकरे परिवार का इतिहास जाने तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर राजनीति ज़रूर सबके लिए ज़रूरी है लेकिन रिश्तों पर ये राजनीति को कभी हावी नहीं होने देना चाहते और होते मतलब होने भी नहीं देते देखिए राज ठाकरे को आज गिरफ्तार करवाने में कितना वक्त लगेगा या राज ठाकरे को जेल भेजने में गैर जमानती वारंट तो ऑलरेडी जारी है, तो कितना वक्त यहां पर लगेगा उन्हें जेल भेजने में लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं चाहते कि जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने नवनीत राणा को ट्रीट किया है उस तरीके से राज ठाकरे को करे मेरा मेरा सवाल यह है कि जब राज ठाकरे कोई कोई कसर कसर नहीं नहीं छोड़ रहे देखिए उद्धव सरकार को गिराने में में उन पर निशाना साधने छोड़े तो उद्धव ठाकरे को इतना बड़ा दिल फिर क्यों दिखा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं देखिए कि जिस तरह से भी उनकी सरकार को कमजोर करने का काम कहीं ना कहीं किया अभी देखिए बीएमसी चुनाव होने वाले हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितना वोट बैंक कितना इधर उधर हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं इसका श्रेय तो जाएगा ना ठाकरे को राज ठाकरे जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो उद्धव ठाकरे फिर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे राजनीतिक तौर पर उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं देखिए राजनीतिक तौर तो पर समर्थन तो नहीं कर रहे हैं मृत्युंजय क्योंकि अगर समर्थन कर रहे होते तो संजय राउत के बयान राज ठाकरे के खिलाफ नहीं आते अगर समर्थन कर रहे होते तो शिवसेना के तमाम बड़े नेता है जो राज ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं वो बयानबाजी नहीं आती अगर समर्थन कर रहे होते तो लेकिन हाँ खुले तौर तो पर बगावत उनकी बगावत पर एक्शन नहीं ले रहे हैं ये बात जरूर यहाँ पर जो है आ, हाईलाइट करने वाली है और आपने बात की डरने की तो देखिए डरने की बात जरूर है जिस तरीके से लालबाग में पोस्टर लगाए गए हैं आप भी जानते हैं सुबह से आप महाराष्ट्र की पॉलिटिकल न्यूज पर बड़ी बारीकी से नजर रखे हुए हैं तो लालबाग में जिस तरह से पोस्टर्स लगाए गए कि अगर राज ठाकरे को कुछ भी हुआ तो हम पूरा महाराष्ट्र जला देंगे या फिर राज्य में अशांति फैला देंगे तो अगर मनसे के तमाम बड़े नेता इस तरह की बयानबाजी करें और इस तरह के पोस्टर्स लगाए तो एक पर्टिकुलर इंसान जिसके हाथों में महाराष्ट्र में सुख शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी है तो तो वो जरा से डर जरूर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आक्रोश में कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिसका खामियाजा पूरा महाराष्ट्र भुगते शुक्रिया मेगा जिसका खामियाजा पूरा महाराष्ट्र भुगते हैं मेगा ने बहुत साफ तौर पर बताया कि आखिरकार उद्धव ठाकरे बड़े कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं लेकिन बात तो यह है ना कि आप एक राष्ट्रीय धरोहर को ध्वस्त करने की बात करते हैं और अगर ऐसी राष्ट्रीय धरोहर को ध्वस्त करने की बात करते हैं तो फिर एक्शन तो लिया ही जाना चाहिए था आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ के पास चलते हैं कि आसिफ जिस तरह से मेघा ने बताया कि देखिए वो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे नहीं चाहते कि माहौल बिगड़े क्या राज ठाकरे के बयान से माहौल नहीं बिगड़ा आप एक राष्ट्रीय धरोहर है जिसको आप ध्वस्त करने की बात करते हैं उसकी वजह से आर्क्योलॉजिकल

अब देखिए अभी हमारी सहयोगी मेघा जी ने साफ शब्दों में कहा था कि किस तरीके से देखिए भले ही जो है रास ठाकरे ठाकरे वर्सेस ठाकरे हो लेकिन एक भाई की जो जंग है ना वो हम सबको साफ शब्दों में देखने को मिली है हमने देखा आपने बहुत अच्छी बातें कही कि देखिए एक जो निर्दलीय विधायक है जो अमरावती से विधायक है आप तो उनकी गिरफ्तारियाँ करवा देते हैं आप उन पर अपनी ताकत दिखा देते हैं लेकिन सवाल ये होता है कि जब आपके भाई जो आपको खुलेआम चैलेंज देता है मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाने के जो खुलेआम आसिफ यहाँ तक औरंगजेब के मकबरे को गिराने

की जांच हुई और फिर उसके बाद गैर जमाने की वारंट पे लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पाए वही नवनीत राणा को जेल में डाल देते हैं हैं लगा देते उनके ऊपर उनको ग्यारह दिन जेल में रखा जाता है ग्यारह मिनट के लिए ठाकरे को नहीं छू सकते कमजोर को दबाना जो है ना आसान होता है मृत्युंजय और जो ठाकरे साहब है ये बड़े लोग हैं ये जानते हैं कि कैसे हम इसका फायदा उठाना है ये जानते हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार किसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं किसके खिलाफ नहीं कर सकते इसीलिए तो कहते हैं ये खुलेआम कहते हैं बीस फीट गाड़ देंगे बीजेपी को बोलते हैं बीजेपी के नेता को मुंह में जो है कागज ठूस तो तो देंगे मैं देंगे ये दें। मान के चलू कि उद्धव सरकार उद्धव ठाकरे वास्तव में डर चुके हैं देखे ठाकरे से हाँ बिल्कुल आई एग्री कंप्लीटली क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की जो सवाल है उसका जवाब क्यों नहीं दिया आपने बिल्कुल सही कह रहे शुक्रिया आज

जिस तरह से आज जो हालात हैं औरंगाब औरंगजेब का मकबरा गिराने की बात की जाती है आसिफ मैंने आसिफ से भी वही बात की थी राहुल मेगा से भी वही बात की थी क्या राज ठाकरे के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए था सवाल वही है लेकिन आपका क्या जवाब है वो आपसे जानना चाहता हूँ देखिए मिथुंज अभी आपने जिक्र किया कि औरंगजेब का मकबरा गिराया जाना चाहिए भाई मैं कहता हूँ कि नफरत की दीवार को क्यों नहीं गिरा रहे हैं आप हिंदू मुसलमान के बीच जो आप खाई पैदा कर रहे हैं उसको क्यों नहीं गिरा रहे हैं? देश को आजाद हुए सत्तर साल हो गए लेकिन आप लोग अभी वही जाति धर्म में फंसे हुए तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि भाई कब तक ये जाति और धर्म का कार्ड आप खेलते रहेंगे देश की जनता आज परेशान हुई है महंगाई देखिए दोबारा दु, दु, चुपके से इन्होंने से, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए तो ये देखा जा रहा आप लोग हिंदू मुस्लिम करते रहिए जनता को हिंदू मुस्लिम में बिड़ा ये गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा रहे ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे ये हमारी भोली जनता कब समझेगी कब इन्हें पता चलेगा

मैं वही तो चाहे भी यही तो कह रहा था भाई गिवारा गिराना है तो नफरत की दीवार को गिराइए ना नफरत की दीवार को तोड़िए उस जंजीर को तोड़िए ना जिसमें आज हिंदू मुस्लिम फंसा हुआ है भाई आप लोग तो हिंदू मुस्लिम को और लड़वा रहे उन्नीस को हमारा देश आजाद हुआ देश को आजाद हुए सत्तर वर्ष से ज्यादा हो गया इससे पहले दो से पहले, पहले हिंदू मुसलमान नहीं रह रहा था क्या उससे पहले लाउड स्पीकर नहीं बसते थे मंदिर में पाठ नहीं होता था अजान नहीं होती थी नमाज नहीं होती थी सब होता था ना भाई स्कूल में शिक्षा भी होती थी महंगाई भी थी जैसी थी लोग एफोर्ड कर लेते थे लेकिन 2014 के बाद क्या देखा जा रहा है कि भाई सीधे सीधे तौर पर आप लोग अपनी सत्ता पाने के लिए, लिए अखिलेश यादव अल्ताफ की मौत उत्तर प्रदेश में हो गई अखिलेश यादव तब ही में जब एक आज आता मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाए जाने तब तो अखिलेश यादव को मुसलमानों की याद नहीं आई तब तो याद नहीं आई जब भाई आजम खान इतने साल से जेल में पड़े थे कि उन्हें बार छोड़वा लिया जाए ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव हो बीजेपी के लोग हों या फिर ये और तमाम नेता ये लोग केवल चाहे हिंदू हो मुसलमान हो चाहे सिख ईसाई देखिए अपने फायदे के लिए इन्होंने जनता का इस्तेमाल किया है मुझे वो वक्त अभी भी याद आ रहा है जिस तरह देखिए हम उस वक्त पैदा नहीं हुए थे लेकिन हम देख रहे हैं ब्रिटिश का शासन काल में डिवाइड एंड रूल बाटो और राज राज करो तो वही काम तो आज भी हो रहा है भाई बाटो और राज करो किसको फर्क पड़ रहा है देखिए आज दंगे में कोई नहीं मरता है आज दंगे में आम इंसान मरता है आम लोगों की जिंदगी चली जाती है आम लोगों की दुकानें जल जाती है भाई खान की दुकान जलती है तो गुप्ता की भी दुकान जलती है और सीधे तौर पर अगर एक मरता तो दूसरा भी मरता है नेता संतरी मंत्री नहीं मरते तो भाई ये हम देख रहे हैं कि ये जो नफरत की दीवार इन्होंने पैदा कर दी ना खाई पैदा कर दिए इसको जरूरत है कि इसको खत्म किया जाए नहीं तो ये नफरत की राजनीति पूरे देश को जलाकर राख कर देगी और नेता अपनी अपनी गद्दी पर बैठकर रोटी सेकते रहेंगे शुक्रिया राहुल तो देख हमारे सहयोगी ने साफ तौर पर बताया कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है सिर्फ नफरत की राजनीति करने के लिए किया जा रहा है हालात जो हैं देश में बहुत संवेदनशील बने हुए हैं नाजुक तो बने हुए हैं लेकिन आखिरकार राजनेता इसको लेकर कोई बड़ा बात नहीं करते कोई बड़ा बयान इसलिए नहीं देते क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जनता के सामने सच आ जाएगा तो फिर वोट कैसे पाए जाएंगे डिवाइड एंड रूल की बात का बताई राहुल ने बिल्कुल सही बात है आज भी वही हो रहा है कोई धर्म जाति के नाम पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है वोट बटोरे जा रहे हैं असदुद्दीन अवैसी जैसे नेता हों चाहे फिर राज ठाकरे जैसे नेता हों हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं और लोग बंटने का काम भी कर रहे हैं लोगों के मन में एक नेरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जिसके चलते ना महंगाई के ऊपर बात होती है ना शिक्षा के ऊपर बात होती है ना पेट्रोल डीजल के ऊपर बात होती है लेकिन बात होती है तो हिंदू मुसलमान की बात होती है मंदिर मस्जिद की बात होती है मकबरों की बात होती है लेकिन कोई आम मुद्दों के बारे में बात नहीं करना चाहता और इस पर न्यूज़ लगातार आवाज़ उठा रहा है कि आम आ, आम आदमी से जुड़े मुद्दों के बारे में हम बात करते हैं और हम लगातार आम आदमी से जुड़े मुद्दों के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस लाइव हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नमस्कार We'll be right back.